छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत 1 अगस्त को एक व्यक्ति लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस की जांच पड़ताल लगातार हो रही है। अभी तक हुई विवेचना में यह स्पष्ट हो गया है कि लापता शिवम मिश्रा की 4 युवकों ने मिलकर हत्या की है, जिनके विरुद्ध सिविल लाइन थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चूंकि मृतक का शव आरोपियों ने धसान नदी में फेंक दिया था, जिसके चलते SDRF की टीम ने पिछले 4 दिनों से लगातार शव का तलाश किया। सोमवार की शाम शिवम का शव भी धसान नदी से बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, जिसमें गुमशुदगी कायम थी और उसके आधार पर सिविल लाइन की पूरी टीम तस्दीक कर रही थी और उसमें ये समझ में आया कि 4 आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और उसमें जो गुम इंसान जिस व्यक्ति पे कायम था उसको मारा है। तो उसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 103, जो कि मर्डर से संबंधित है, वो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके आधार पर अभी अग्रिम विवेचना जारी है और विवेचना में कई तथ्य सामने आना बाकी हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। नौगांव सब डिवीजन में धसान नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्चिंग भी जारी है और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।